हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें हमारे साथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक नई यूनिवर्सिटी है, भोज यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी जो फर्स्ट वीडियो आज हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार पिछले एक साल से ज्यादा भोज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लगातार वेट कर रहे थे, सर हमें भी गाइड कीजिए, हमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए फर्स्ट ईयर में। यदि बात करें मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंस लर्निंग के लिए, भोज यूनिवर्सिटी आपके लिए पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो यदि आपका एमएससी मैथमेटिक्स का यदि मन है आपका करने का, या आपका सपना है एमएससी मैथमेटिक्स को पूरा करने का, तो आप एडमिशन ले सकते हैं मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी के अंदर, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको ले चलेंगे भोज ओपन यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में गाइड करेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और कौन स्टेट आपको चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जिनकी कोचिंग अवेलेबल, जिनके सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं इजिली अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे भोज ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, हम आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और सब कुछ एक डेडिकेटेड पोर्टल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए बात करेंगे भोज यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में कौन सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड ईयर में कौन सब्जेक्ट्स हैं। आप जहां जाने के लिए हमारी वेबसाइट www.gautamsingla.com को विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करने वाली है, हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है भोज ओपन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। तो बात करेंगे भोज ओपन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, फर्स्ट में क्या सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड में क्या सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्या चूज करना चाहिए यदि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का विकल्प है। तो सबसे पहले चलेंगे आपको भोज यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पर आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। हमारे एप्लीकेशन में भी आपको भोज ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आइए बात करें यदि वेबसाइट पे स्टडी के बारे में बात करें हमारे पास भोज यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप गूगल करेंगे, आप लिखेंगे MPBOU मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी .edu.in, आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश भोजपुर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के, आप देख सकते हैं। आप वेबसाइट चाहेंगे आपको यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार कोई भी हेल्प जरूरत है भोज ओपन यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग, आप हमारी वेबसाइट www.gautamsingla.com पर विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लगातार आप फॉलो कर ही रहे हैं, आपका लगातार प्यार मिले इसके लिए आपका तहे दिल से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका दिल की गहराई तक बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि बात करें हमारे पास भोज ओपन यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारी वेबसाइट gautamsingla.com, जी हाँ, भारत का फर्स्ट फुली डेडिकेटेड नॉन स्टॉप या कह सकते हैं वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है। वेलकम टू दी वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स कोचिंग इन इंडिया, दैट इज www.gautamsingla.com। आप हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, आप हमारे ऐप को एप्पल आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन अपनी क्लासेस को लैपटॉप कंप्यूटर मैक के थ्रू हर जगह दुनिया में देख सकते हैं। आप किसी भी कोने से हैं आप अपनी क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख पाएंगे। हमारा प्रयास था कि हमने एक बड़ा ड्रीम लेके चले थे कि आप करें अपनी एमएससी मैथ्स पढ़ाई अपने घर पर बैठकर अपने समय पर कहीं भी कभी भी, उसको एक पॉजिटिव हमने एक आपको रूप दिया है कि आप अपनी पढ़ाई कभी भी कर पाए, आप सीख सकें, आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने वर्किंग रूटीन के साथ कैसे भी पढ़ाई को स्टडी कर सकते हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है गौतम सिंगला सर मोबाइल एप्लीकेशन, जो गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ दुनिया के हर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो ये हमने बात की ऑफिशियल वेबसाइट gautamsingla.com पर आप आएंगे, सारी जानकारी अवेलेबल है, हमने क्यों इस जर्नी को स्टार्ट किया, किसके लिए स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट कर पाए, और बहुत ही सफल रूपम देने में सफल रहे आप सभी के लिए। तो सारी जानकारी अवेलेबल है, पिछले 2 साल से ज्यादा हमें हो चुका है ऑनलाइन के अंदर हम पढ़ा रहे बच्चों को, 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं, अपनी जो स्टडी है उसको समझ पा रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स को लर्न कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात की आप मैथ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये हमने बात की भोज ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 घंटे लाइव चैटबॉट दिया गया, आपकी कोई भी क्वेरी आप लाइव चैटबॉट के थ्रू अपनी जो क्वेरीज है शेयर कर सकते हैं, आपका नाम आपका फोन नंबर स्टार्ट चैट करें, हमारी टीम आपको गाइड करने वाली है, हेल्प करने वाली है। आइए बात करें यदि सिलेबस के बारे में हमारे पास, यदि सिलेबस के बारे में बात करें भोज ओपन यूनिवर्सिटी के, हमारे पास फर्स्ट ईयर 5 सब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर 5 सब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट आप चूज करने हैं, ऑप्शनल पेपर कौन कौन से, इसके बारे में बात करें। आइए यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बारे में, जी यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बारे में, तो जो हमारे पास ऑफिशियल सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स में, जैसे कि आप जानते हैं भोज ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स में एनुअल एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होते, एनुअल एग्जाम होते हैं। तो यदि बात करें फर्स्ट ईयर में आपको ले चलने सिलेबस पर हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, यदि बात करें भोज यूनिवर्सिटी के बारे में, भोज यूनिवर्सिटी हमारे पास जो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के अंदर है, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बारे में, हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर।
एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बारे बात करें तो हमारे पास कौन कौन सब्जेक्ट्स हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें हमारे पास पहले कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको लेना चाहिए जिनको आपको चूज करना चाहिए। तो बहुत अपॉर्चुनिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से चार सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, पांचवा आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। तो पहले चार सब्जेक्ट कंपलसरी कौन से हैं, पहला सब्जेक्ट आता है आपका एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जी हाँ, पहले बात करेंगे एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसकी कोचिंग, इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट यदि फर्स्ट ईयर बात करें एससी मैथमेटिक्स में, दैट इज रियल एनालिसिस। हमारे पास दूसरा पेपर है रियल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर है प्रीवियस ईयर का। और यदि बात करें थर्ड पेपर हमारे पास थर्ड पेपर इज टोपोलॉजी, वंडरफुल बुक आपके एमएससी मैथमेटिक्स की, दैट इज टोपोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट है हमारे पास। एंड पेपर फोर दैट इज एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके लिए भी कोचिंग और नोट्स वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेज जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सारी जानकारी आपको नीचे दी गई है, आप कुछ भी हमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका सब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है जी। पेपर फोर एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर बारे बात करें बहुत जरूरी है, पहले चारों सब्जेक्ट जो कंपल्सरी है फर्स्ट ईयर में, और जो पांचवा सब्जेक्ट आपके पास है, जो चॉइस आपके पास तीन सब्जेक्ट से कोई एक चूज करना है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन चॉइस में आपके पास एक एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड मैनिफोल्ड है। आप हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं जिसके वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हम प्रोवाइड करने वाले कोचिंग के लिए, आप इसको चूज कर सकते हैं। ये तो हमने बात की एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में, अब बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के बारे में। बहुत दृष्टि के बारे में बात करें एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के बारे में बात करें हमारे पास, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड में, क्या सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड में। यदि बात करें हमारे पास दो सब्जेक्ट कंपलसरी है आपके, और उसके बाद आपके तीन सब्जेक्ट आप चॉइस के ले सकते हैं। पहले बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हमारे पास, पहला सब्जेक्ट जो कंपलसरी है दैट इज इंटीग्रेशन थ्योरी, जो हमारे पास सब्जेक्ट है इंटीग्रेशन थ्योरी हमारे पास एक सब्जेक्ट कंपलसरी जो सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट है फंक्शनल एनालिसिस, दूसरा सब्जेक्ट क्या फंक्शनल एनालिसिस हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट सेकंड ईयर में, फर्स्ट पेपर हमारे पास कंपलसरी है। दूसरा जो पेपर आता है कंपलसरी सेकंड ईयर के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। जी हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स आप इसे चूज कर सकते हैं। दोनों के लिए हम आपको कोचिंग एंड नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सेकंड में दो सेट कंपलसरी है, इसके अलावा तीन सेट चॉइस क्या आपके पास उसके बारे में बात करते हैं, तो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। जो हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बात करें ऑप्शनल पेपर कोर्स है जिनके लिए कोचिंग हम प्रोवाइड करने वाले, जो सब्जेक्ट आसान कह सकते हैं जो हमारे पास है। पहला पेपर आप ले सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। दूसरा पेपर आप यदि चूज करना चाहें हमारे पास जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म विद एप्लीकेशन कर सकते हैं, और स्पेशल फंक्शन का जो पेपर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ, यदि बात करें हमारे पास दूसरा पेपर क्या हो सकता है हमारे पास जो हम प्रोवाइड करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म विद एप्लीकेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। पेपर थ्री जो हमारे पास कोचिंग के लिए अवेलेबल रहेगा दैट इज सेकंड ईयर स्पेशल फंक्शन आपका पेपर थ्री रहेगा जो ऑप्शनल है सेकंड ईयर में हमारे पास स्पेशल फंक्शन। तो हमने बात की बहुत यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, फर्स्ट ईयर पास पेपर कौन से हैं, सेकंड पेपर कौन से हैं, और कौन से पेपर आपको चूज करने चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले एक साल ज्यादा हो चुका है, लगातार स्टूडेंट्स वेट करें बहुत दृष्टि सर हमें गाइड करें, एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करें कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए। तो हमने प्रयास किया कि यूट्यूब वीडियो के द्वारा अपने सब्जेक्ट चूज कर सके जिसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स आसानी से मिल पाए। कोई बार दोबारा रिवाइज करें, हमारे पास बहुत दृष्टि के बारे में हम बात करें, बहुत दृष्टि मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, ओपन दृष्टि है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, आप हजारों बच्चे हर साल एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले रहे हैं बहुत दृष्टि के अंदर। तो आप ले सकते हैं दिल्ली लिया तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन गौतम सिंह सर के थ्रू। हमने बात की बहुत दृष्टि एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में कौन सब्जेक्ट्स हैं, यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट में चार सब्जेक्ट कंपलसरी है आपके, चार सब्जेक्ट कंपलसरी कौन से हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस कंपलसरी है आपका, टोपोलॉजी कंपलसरी है, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस
तो यदि बात करें एससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, तो चार स्टेट आपको कंपलसरी है, एडवांस्ड एब्सोल्यूट अलजेब्रा, रियल एंसेस, टोपोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्स एंसेस। यदि बात करें ऑप्शनल पेपर फर्स्ट ईयर में कौन सा, हमारे पास एक ही पेपर है जो आपके पास पेपर फाइव है, उसमें आपके पास आप चूज करें डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके लिए आसान रहेगा, जिसके लिए आपको कोचिंग वगैरह सब अवेलेबल। ऑप्शन पेपर क्या लेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के लिए, हमारे पास पांच सब्जेक्ट है अगेन, जिसमें से दो सेट आपके कंपलसरी है जिनको आपको लेना ही लेना पड़ेगा। आउट ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारे पास, जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या, दैट इज इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनलिटीज, हमारे पास पेपर वन है। पेपर टू हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर बारे में बात करें, जिसमें हमारे पास सेकंड ईयर में दो सेट कंपलसरी है, इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनलिटीज, सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स आपके कंपलसरी पेपर है एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। जिनमें उसके बाद तीन सेट आपके ऑप्शन आते हैं, ऑप्शनल में जो कोचिंग एंड नोट्स अवेलेबल रहेंगे वो आपके इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ले सकते हैं आप। इट इज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, आप बहुत ही जगह शॉर्ट लिख सकते हैं इसको, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को लिखते हैं बीवीपी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और आप हाई स्कोर कर सकते हैं। ऐसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म विद एप्लीकेशन स्पेशल फंक्शन, यदि आपको लगता है आपका बैकग्राउंड कोई और सब्जेक्ट का है सेकंड ईयर में, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। हमने हमारे अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया आपको ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन है, जो आसान है, जो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमने बात की बहुत दृष्टि एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, तो आपके मन में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बहुत दृष्टि रिगार्डिंग, बहुत ओपन रिगार्डिंग, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, ऑलवेज फील फ्री टू व्हाट्सएप अस। हमारे यही प्रयास है कि आप कैसे सीख सके, कैसे आगे बढ़ सके। डेडिकेटेड हेल्प नंबर आपको दिया गया, आप 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिकॉर्डिंग हम आपको, आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करने वाले हैं। तो आज मैंने बात की मध्य प्रदेश भोज ओपन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, लगातार स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन था क्या सेट चूज करें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो हमने बात की कि आप भोज ओपन एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में कौन सी सेट चूज कर सकते हैं, सेकंड ईयर में कौन सी सेट चूज कर सकते हैं, और अपनी जो तैयारी है गौतम सिंगला मोबाइल ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसका सारा जो डिटेल है नीचे दी गई है, आपको मोबाइल ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, और आपके मन में कहीं भी कोई क्वेश्चन है हेल्प नंबर आपको नीचे दिया गया है। तो जुड़े अपनी जो तैयारी है स्टार्ट करें और खुश नहीं खुशियां बांटते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन है, बट अर्जुन को अर्जुन की शान पाने के लिए सीधी कैसे चाहिए वो भूमिका हम निभाने वाले हैं। अपनी जो तैयारी है आपको गाइडेंस कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारा हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और इसी तरह से मैथ को एंजॉय करते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू दस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।